आगे करो पैर, आगे करो। साहब ये मेरा जूता नहीं है। ये तुम्हें जूता पूरा आना चाहिए। ये देखें ये बड़ा है। आखिर ये गेम क्या चल रही है। चलो तुम उतारो, जाओ तुम पहनो भाई। साहब मेरा नहीं, मुझे बड़ा है। मुझे लगता है जिसको ये जूता पूरा हो जाएगा उसे मोटरसाइकिल इनाम दिया जाएगा। आखिर ये जूता किसका हो सकता है। उतारो तुम जूता, जाओ तुम पहनो। तुम्हारा पाँव बड़ा है, मुझे लगता है ये तुम्हारा जूता है। आखिर मुझे ही कोई जुगाड़ लगा के ये जूता पूरा करना पड़ेगा। साहब जी मैं बोला मेरा जूता नहीं है। अच्छा तो उतारो तुम जूता, दफा हो जाओ। चलो भाई तुम पहनो। अब तो ये जूता मुझे ही पूरा आएगा। साहब मैं तो बच्चा हूँ, मुझे ये जूता कैसे पूरा आ सकता है, मेरा तो पाँव भी छोटा है। जूता तो मुझे भी छोटा है लेकिन यहाँ पे अक्कल की जरूरत है। अक्कल लगाऊंगा ये जूता मुझे पूरा आ जाएगा। पूरी बस्ती ने ये जूता पहनकर देखा है, किसी को पूरा नहीं आ रहा। लेकिन मैं अभी रहता हूँ, ये मुझे पहना कर देखे, शायद मुझे पूरा आ जाए। अच्छा तुम भी अपना शौक पूरा करके देख लो। बच्चे उतारो तुम, जाओ तुम। मुझे भी तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, तुम शक्ल से ही ऐसे लगते हो, ये जूता तुम्हारा लग रहा है मुझे। अब ये जूता पूरा करने के लिए मुझे जूता जो साइड पे करना पड़ेगा। क्या बड़बड़ा रहे हो, जूता पहनो जल्दी। साहब इस जूते को पहनने से पहले मैं एक दफा इसे देखना चाहता हूँ अच्छी तरह। क्यों, क्या खास है इस जूते में जो तुम इतना गौर से देखना चाहते हो। साहब ये मेरी ख्वाहिश है। जूता देखने की भी ख्वाहिश होती है, ये मुझे आज पता चला। चलो देख लो तुम, लेकिन पहनो इसे बाद में। उम्र सारी। उधर मुंह करके क्या देख रहे हो, इधर मेरी तरह मुंह करो। नहीं साहब जी मैं पहन रहा हूँ। पहनो। मुझे ये तुम्हारे पाँव का जूता लग रहा है। पहनो। अच्छा तो फिर ये तुम्हें जूता पूरा आ गया है। हाँ साहब ये मेरी खुशकिस्मती है, ये जूता मुझे पूरा आया है। खुशकिस्मती। ओए नूरे बशीरे जल्दी मेरी तरफ आओ। नहीं साहब जी उन्हें नहीं बुलाने की जरूरत, मैं अकेला ले जाऊंगा। चाबी मुझे दे दें आप। देते हैं चाबी बेटा, तुम इधर आओ मेरी तरफ बैठो। जरा नीचे बैठो। जूता पूरा आ गए। हाँ जी सर जूता पूरा आ गया। लंबा करो ये डंडा। बताओ तो सर मुझे मार क्यों रहे हो। अच्छा तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें मार क्यों रहे हैं। नहीं साहब मुझे नहीं पता मुझे क्यों मार रहे हो आप। छोड़ो भाई से, पहले वजह बताओ इसे क्यों मार रहे हो। वो सुबह जब हमारा साहब सुता पिया था। Oh no! कौन है खबीज का बच्चा। चोरी भी किया, ऊपर से जूता भी मारा। अच्छा ये बात है। हाँ जी ये बात है। चलो ठीक है मारो। सच कहते हैं किसी के मामले को जाने बगैर उसमें टांग ना अड़ाएं, वरना टांग भी टूट सकती है।